हाय एवरीवन, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पता है हम लोगों को इस सॉलिड के बारे में बहुत पहले से फैमिलियर है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है या किसी भी पदार्थ का जो है मेनली तीन स्टेट होता है, मतलब वह तीन अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन तीनों के बारे में जो है ना हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल लेवल से ही। क्लास इलेवेंथ में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हम लोग जो है ना गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में डिस्कशन किए थे। सॉलिड स्टेट जो बच रहा था उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ करने वाले हैं, क्लास ट्वेल्थ का जो पहला यूनिट है केमिस्ट्री का उसमें। तो सबसे पहला प्रश्न आखिर यहाँ आता है कि ये सॉलिड होता क्या है। तो ऑलरेडी हम लोग पहले से जान रहे हैं कि सॉलिड स्टेट जो है किसी भी पदार्थ का या किसी भी सब्सटेंस का वह फॉर्म है जिसका शेप या साइज, वॉल्यूम डेफिनिट होता है, फिक्स्ड होता है, सर्टेन होता है, और साथ ही साथ ऐसे सब्सटेंस में रिजिडिटी होता है, दृढ़ होते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, जनरली कॉम्प्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। तो सॉलिड का हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कि ए फॉर्म ऑफ मैटर विच possesses rigidity and possesses a definite size, possesses a definite size and a definite volume and a definite volume is called solid। सिंपल सा डेफिनेशन इसका है सॉलिड का, कि किसी भी पदार्थ का वह फॉर्म, वह स्टेट जिसमें रिजिडिटी होता है। रिजिड का हिंदी होता है दृढ़, कठोर समझ सकते हो, जिसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सके, रिजिड होता है। साथ ही साथ इसका साइज जो है डेफिनिट है और वॉल्यूम भी इसका क्या होता है डेफिनिट। डेफिनिट साइज और डेफिनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, सो देखो, जैसे मान के चलो ये मार्कर पेन जो है, अभी इसका साइज बोले तो यहां से यहां कुछ लेंथ मान ले, सपोज 10 सेंटीमीटर है, ऐसा मान ले हम लोग। तो जो 10 सेंटीमीटर साइज इसका, ये हमेशा 10 सेंटीमीटर ही रहने वाला है, वह साइज कभी वैरी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कल जो है 10 से 8 हो जाएगा, फिर अगला दिन 12 हो जाएगा, नहीं, फिक्स्ड है। शेप भी इसका फिक्स्ड है, सिलिंड्रिकल टाइप का दिख रहा है। बचा वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वह कहलाता है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, इसका मतलब कि यह मार्कर पेन जितना स्पेस अभी यहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही स्पेस इसको पैकेट में रखेंगे तब भी करेगा, उतना ही स्पेस इसको बैग में रखेंगे तब भी ऑक्यूपाई करेगा। तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का साइज फिक्स्ड होता है, शेप एक डेफिनेट जो उसका पहले से है वो होगा ही, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, वह वैरी नहीं करता है, और उसमें रिजिडिटी होता है। तो किसी भी मैटर का वह फॉर्म जिसमें रिजिडिटी हो, कठोरता हो, दृढ़ हो, साथ ही साथ उसका साइज डेफिनिट हो, निश्चित हो, फिक्स्ड हो, वॉल्यूम भी डेफिनिट हो, तो ऐसे सब्सटेंस को या सब्सटेंस के इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इसके, जैसे मेटल्स की बात करें हम लोग, मरकरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी मेटल्स ऑलमोस्ट सॉलिड होते हैं। आयोडीन है, सल्फर है, केमिस्ट्री के भाषा में बात करें तो, नहीं तो फिर वैसे तो ये मार्कर पेन हो गया, ईट है, तो फर्नीचर वगैरह है, तो ये सभी जो है सॉलिड होते हैं। खैर ये पुराना बात है, इतना तो हम लोग पहले से ही जानते आ रहे हैं कि सॉलिड क्या होते हैं। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ना कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कब करता है और क्यों करता है, ये जानना इंपॉर्टेंट है।
तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट तभी करता है जब उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन हो 25 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो, 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, तो जब किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, मतलब रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो, तो इस केस में वह सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है सॉलिड के फॉर्म में। मान लो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इससे कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट इससे कम है तब तो रूम टेम्परेचर पर लाने से वो मेल्ट कर जाएगा ना, और मेल्ट करके सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर वह सब्सटेंस नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं आइस के बारे में, यह सॉलिड है लेकिन जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जैसे ही तुम आइस को रूम टेम्परेचर पे लाओगे तो या तो मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वह उसके इसमें सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइस सॉलिड है लेकिन रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में यह सॉलिड नहीं है, बल्कि इस सब्सटेंस को सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कम। और ऐसे टेम्परेचर वैरी करोगे तब तो कोई भी सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हम लोग जानते हैं कि जो सब्सटेंस का ये अलग अलग तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये तीनों को इंटरकन्वर्ट किया जा सकता है टेम्परेचर प्रेशर वगैरह वैरी करके, जैसे भी हो। तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसका मेल्टिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रूम टेम्परेचर से अधिक हो, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। आइस सॉलिड है लेकिन रूम टेम्परेचर पे यह सॉलिड नहीं है। अब जो सॉलिड होते हैं ना, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जनरली कोई भी सब्सटेंस जो मिल करके बना हुआ होता है वह कोई एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस है। तो जो एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं इनको बोला जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिस पार्टिकल्स से मिल करके वह सब्सटेंस बना है। जैसे आयनिक कंपाउंड्स आयनों से बने होते हैं तो आयंस कहलाएंगे उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कोवलेंट कंपाउंड है नॉनमेटल एटम्स से है तो वे एटम्स कहलाएंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं तो मॉलिक्यूल कहलाएंगे उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कोई भी सब्सटेंस जिससे मिलकर बना हुआ होता है वह उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिसमें मेनली आता है एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनको हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो किसी भी सॉलिड में क्या होता है कि जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वह जनरली एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस के अंदर ऐसे 5 पार्टिकल्स हैं, सॉलिड सब्सटेंस है, तो यदि यह सॉलिड सब्सटेंस है तो यह 5 पार्टिकल्स जैसे तैसे अरेंज नहीं रहेगा, बल्कि उसका एक रेगुलर ऑर्डर होगा। रेगुलर ऑर्डर मतलब हो सकता है कि इस प्रकार से सब्सटेंस का अरेंजमेंट ऐसा, और जब ऐसे एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है सब्सटेंस का तो इससे एक डेफिनेट शेप मिलता है, एक निश्चित साइज भी मिलता है। और चूंकि ऐसे जब एक ऑर्डर में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं ना, तो दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट होता है ऐसे पार्टिकल्स के बीच। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट होने के चलते पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी करीब होते हैं और उनका पोजिशन जनरली क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो सॉलिड में एग्जिस्ट होने का जो हुआ उसमें क्या हम लोग देखें कि पार्टिकल्स उसके एक रेगुलर ऑर्डर में रहेंगे, रेगुलर ऑर्डर में रहेंगे, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रहेंगे, और इस केस में दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का होगा, मतलब मजबूत फोर्स होगा दो पार्टिकल के बीच जो लगेगा, और इसलिए पार्टिकल्स अपने पोजिशन पर जनरली क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो ये हुआ कि सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कब करेगा, तो कब करेगा तो बता दिए कि जब उसका रूम मेल्टिंग पॉइंट इतना से ज़्यादा हो 1 atm प्रेशर पे। अब हम लोग जाने कि कैसे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कैसे। तो देखो हम क्या बोले कि कोई भी सब्सटेंस जो है वह तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड के रूप में कर सकता है, तीन जो मुख्य स्टेट हैं सब्सटेंस के, लिक्विड है और गैस है। अभी तीनों में से किस फॉर्म में वह एग्जिस्ट करेगा
वह डिपेंड करता है दो अपोजिंग फोर्सेस के नेट इफेक्ट पे। तो वे दो अपोजिंग फोर्सेस जो होते हैं, अपोजिंग या लिखे हम लोग टू अपोजिंग फोर्सेस, तो वे दो अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, पहला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस मतलब दोनों का नेचर जो है ना अपोजिट है। तो दोनों फोर्स का नेट इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि वह सब्सटेंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में या फिर गैस के फॉर्म में। अब ये दोनों फोर्स क्या हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे बात करें इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव वर्ड लगा हुआ मतलब इसका काम क्या है कि दो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना, एक दूसरे के नज़दीक लाना। और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस में जितने भी केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, चाहे वे आयनिक बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, मेटेलिक बॉन्ड हो, ये सभी आते हैं अट्रैक्टिव फोर्स के अंतर्गत। तो अट्रैक्टिव फोर्स का काम क्या होता है कि दो पार्टिकल्स को खींच करके नज़दीक लाना, एक दूसरे के करीब लाना। और थर्मल एनर्जी क्या है, तो इस थर्मल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। थर्मल एनर्जी को हम लोग यदि क्यू से डिनोट करें तो फॉर्मूला होता है एमसी डेल्टा टी, जहां एम जो है सब्सटेंस का मास है, सी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। अब किसी भी सब्सटेंस का मास तो फिक्स है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है, एक निश्चित टेम्परेचर वगैरह पे रहेगा। तो हम लोग यदि यहाँ देखें तो क्यू जो है प्रोपोर्शनल हो जा रहा है चेंज इन टेम्परेचर का। टेम्परेचर जितना ज़्यादा वेरी करोगे, या यूँ देखें कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा तुम इंक्रीज करोगे, थर्मल एनर्जी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट थर्मल एनर्जी को समझ सकते हो टेम्परेचर के इक्विवेलेंट होता है थर्मल एनर्जी। मतलब यदि किसी सिस्टम का तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो थर्मल एनर्जी भी जो है बढ़ेगा। या रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी अवेलेबल होता है, टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी होता है उसको समझ सकते हो थर्मल एनर्जी। तो यहां तो हम लोग देख लिए कि थर्मल एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अब यदि तुम मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, हाइयर टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े हैं। एक काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 3/2 RT। यहाँ m जो है सब्सटेंस का मास है जो कि कांस्टेंट रहेगा, यहाँ r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ इस टर्म को हम लोग कांस्टेंट माने। तो ये सब देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म्स हैं सभी। तो थर्मल एनर्जी प्रोपोर्शनल हुआ टेम्परेचर का, इसको ऐसे दिखाओ कि थर्मल एनर्जी प्रोपोर्शनल हुआ टेम्परेचर का। थर्मल एनर्जी बढ़ा तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा, और यदि टेम्परेचर बढ़ा तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो फिर उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। देख रहे हो, थर्मल एनर्जी से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ा। तो कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो यदि उस सब्सटेंस का एनर्जी, थर्मल एनर्जी बढ़ता है, उस सब्सटेंस जिस स्टेट में है उस केस का यदि थर्मल एनर्जी बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, ऐसे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, या सेम डायरेक्शन में भी यदि मूव करेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या किया था कि दो पार्टिकल्स को खींच करके एक दूसरे के नज़दीक ला रहा था, और ये थर्मल एनर्जी क्या किया कि पार्टिकल्स को दूर कर रहा है, तेजी से मूव करवा रहा है पार्टिकल्स को। तो एक पार्ट जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स था वो पार्टिकल्स को खींच के नज़दीक ला रहा था, थर्मल एनर्जी जो है सो पार्टिकल्स को दूर कर रहा है। तो दोनों अपोजिट नेचर के हुए ना, एक पार्टिकल्स को नज़दीक ला रहा है और दूसरा पार्टिकल को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। तो अब बात है कि दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा।
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा कि थर्मल एनर्जी डोमिनेट करेगा। तो यही दोनों का नेट इफेक्ट पे डिपेंड करेगा कि वह सब्सटेंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे मान लो कि टेम्परेचर कम हो, एट लो टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर कम हो तो टेम्परेचर कम होने से थर्मल एनर्जी कम होगा, थर्मल एनर्जी लो, और जब थर्मल एनर्जी लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, कम। तो लोअर टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी कम, थर्मल एनर्जी कम होने से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी कम, और काइनेटिक एनर्जी कम तब उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, कम। और जब पार्टिकल्स का वेलोसिटी कम होगा, पार्टिकल्स तेजी से इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे, तो वे एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, और जब नज़दीक रहेंगे तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वह डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स का स्ट्रेंथ उतना कम, और डिस्टेंस जितना कम, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। तो लोअर टेम्परेचर पर क्या होगा कि थर्मल एनर्जी कम होगा, उससे उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी कम होगा और वेलोसिटी कम होगा। वेलोसिटी कम होने से वे पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, नज़दीक रहेंगे तो उसके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होगा, और इस केस में वह सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड के फॉर्म में। तो कोई भी सॉलिड जो है जनरली एग्जिस्ट करता है लोअर टेम्परेचर पर, क्यों, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे इतना सारा बात होने वाला है। यदि तुम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दोगे तो फ्री वाला बात हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्या होगा कि थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे तब या तो वे लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे या तो गैसियस फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स दूर रहने का मतलब इसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। और अभी बताया कि डिस्टेंस ज़्यादा होने से जो अट्रैक्टिव फोर्स का स्ट्रेंथ है वह क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है वह डिपेंड करता है दो अपोजिंग फोर्सेस के नेट इफेक्ट पे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स और थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल्स को खींच करके नज़दीक लाता है, जबकि थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को दूर करता है, उनको तेजी से मूव करवा करके। लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है कि थर्मल एनर्जी कम होता है, इसके चलते उस पार्टिकल्स का वेलोसिटी कम होगा, तो वे एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रहेंगे और उनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होगा, और इस केस में वह सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड के फॉर्म में। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं, मोस्टली जो है समझो कि सट करके होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स एक दूसरे से सटे होते हैं, ऐसा इस प्रकार से उनका अरेंजमेंट होता है, लाइक दिस, ऐसा अरेंजमेंट होता है, सटे होते हैं एक दूसरे से काफ़ी। अब यदि ऐसा है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच काफ़ी स्ट्रांग फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली यह पार्टिकल किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, ये भी पार्टिकल किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन होता है किसी भी पार्टिकल का, वह कहलाता है उसका ट्रांसलेटरी मोशन। अलग अलग टाइप का मोशन होता है ना, ट्रांसलेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोशन है, ऐसे। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पार्टिकल का जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि सॉलिड पार्टिकल्स का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी स्ट्रांग है, एक दूसरे से जोड़ करके रखा हुआ है, इसलिए यह सब्सटेंस इधर उधर मूव नहीं करेगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया जीरो, सर्कुलर मोशन वगैरह इस सब कोई मोशन जो है नहीं होगा। तो होगा क्या, तो बोला जाता है कि देखो, रूम टेम्परेचर पे ही यदि सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस टेम्परेचर से कुछ ना कुछ तो थर्मल एनर्जी होगा, और उस थर्मल एनर्जी के चलते क्या होगा कि यह पार्टिकल अपने पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, इधर उधर मूव नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अपने पोजीशन पे एकदम साइलेंट भी नहीं रहेगा बल्कि वाइब्रेट करते रहेगा। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स के जो है ना वाइब्रेटरी मोशन होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन होते हैं, याद रखोगे।
कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सॉलिड पार्टिकल्स किस प्रकार के मोशन को एग्जिबिट करते हैं, ऑप्शन दे देगा ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो याद रखोगे वाइब्रेटरी मोशन मैंने सॉलिड के पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, सर्कुलर वे में भी मूव नहीं करते हैं, बस अपने पोजिशन पर केवल वाइब्रेट करते हैं। वर्क क्यों करते हैं? थर्मल एनर्जी के चलते, थर्मल एनर्जी के चलते जो है अपने पोजिशन पर वे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन। अब सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको ऑलमोस्ट नहीं दबाया जा सकता है। रीजन क्या है कि दो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच कोई डिस्टेंस होता नहीं। हालांकि ये जो खाली जगह बच रहा है मे बी इसके चलते थोड़ा बहुत कॉम्प्रेशन हो, लेकिन ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड, इनको दबाया नहीं जा सकता है ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटर मॉलिकुलर स्पेस। बोला है कि जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है ना किसी भी सॉलिड का, किसी भी सॉलिड का जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है वह 10^-6 टाइम्स होता है। किसके तुलना में? गैस के तुलना में। मतलब यदि गैस का कंप्रेसिबिलिटी यदि 1 मान लो तो सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा इतना। तो इसके तुलना में तो कुछ नहीं है यदि इसको हम लोग ऐसे देखें तो। सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी 0 नहीं हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हाँ गैस के जैसा उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना भी पॉसिबल नहीं है। रीजन उसका बतलाए कि सॉलिड में जो इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता है वह क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद जो सॉलिड्स होते हैं ना वे जनरली डिफ्यूजन शो नहीं करते हैं। डिफ्यूज करना मतलब फैलना अपने आप, जैसे कोई गैस है सिलेंडर में गैस भरा हुआ रहता है उसको लीक करके छोड़ दो तो पूरा फैल जाएगा। और फैलने के पीछे कारण क्या है कि उसका पार्टिकल्स तेजी से इधर उधर मूव कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी कमजोर होता है। अभी हम लोग देखें कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि पार्टिकल ना तो इधर जा पाएगा और ना तो इधर जा पाएगा। इसलिए बोल रहा है कि सॉलिड जो है डिफ्यूजन शो नहीं करते हैं। कुछ कुछ सॉलिड्स हैं फॉल्स सॉलिड उसको हम लोग बोलते हैं जो बहुत स्लोली डिफ्यूज करते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद कि किसी भी सब्सटेंस का यदि 3 फॉर्म हो रहा है सॉलिड लिक्विड और गैस, मास फिक्स है तो फॉर या गिवेन मास ऑफ दिस सब्सटेंस इट्स सॉलिड फॉर्म हैज मैक्सिमम डेंसिटी। कि यदि कोई सब्सटेंस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मास सेम है तीनों केस में, तो सॉलिड वाले फॉर्म का डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। रीजन उसका क्या है? तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। अब मास को हम बोल रहे हैं फिक्स, तो डेंसिटी जो है वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम मिनिमम होता है, सॉलिड के पार्टिकल बहुत कम जगह घेरते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से एकदम सट करके रहते हैं। तो यदि वॉल्यूम सबसे कम है सॉलिड केस का तो इसका डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसमें भी जो है एक आधा एक्सेप्शन है आइस वाला, कि आइस जो है H2O का सॉलिड फॉर्म है लेकिन इसका डेंसिटी मैक्सिमम नहीं है, बल्कि उस आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है। तो खैर इसका अलग एक्सप्लेनेशन है जो ऑलरेडी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं। तो ये जो है सॉलिड का इंट्रोडक्शन हुआ कि सॉलिड होते क्या हैं, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कब करता है, क्यों करता है, किस प्रकार के मोशन एग्जिबिट करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, और भी जनरल जो फीचर्स हैं सॉलिड्स को उसको हम लोग जान ही रहे हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे सॉलिड के क्लासिफिकेशन की, कि कितने प्रकार के सॉलिड्स होते हैं। ये सॉलिड का क्लासिफिकेशन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इतना बेसिक सा बात जो है हम लोग याद रखेंगे सॉलिड के बारे में, और बाकी का डिस्कशन इसका आगे का लेक्चर में। धन्यवाद।